गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से स्वागत है आज के क्रैश कोर्स में। हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेव्स, या वेव मोशन भी बोला जाता है। हम समझेंगे वेव्स क्या होती हैं, कैसे प्रोपेगेट करती हैं, और डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं वेव्स से रिलेटेड। तो अच्छे से समझने की कोशिश करनी है हमको, ठीक है। ये भी अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेव्स। और फिर आगे जो वेव ऑप्टिक्स होता है 12th में, तो थोड़ा सा लिंक रहता है। तो वेव्स के अगर यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस वाला पार्ट थोड़ा समझ आ जाएगा, तो वेव ऑप्टिक्स में भी उनको समझने में आसानी रहेगी। तो वेव मोशन क्या होता है? तो देखो, वेव मोशन में क्या नई चीज है। जैसे मोशन की हम बात करते हैं कि एक पार्टिकल का हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ प्लेन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऐसे बहुत सारे मोशन की बात करते हैं। उन मोशन में क्या होता है, पार्टिकल खुद एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाता है। पार्टिकल का खुद का ट्रांसफर होता है। वेव मोशन कैसे डिफरेंस है? वेव मोशन में पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, सिर्फ एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर होता है। पार्टिकल्स अपनी पोजिशन के अबाउट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। और वो ऑसिलेट करेगा तो उसके बाद वो अपने पड़ोस वाले पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करेगा, वो फिर उसके अपने पड़ोस वाले पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करेगा। इस तरह से एनर्जी का प्रोपेगेशन होता रहता है। तो दिस इज दी वेव मोशन। इसको ऐसे समझ लेंगे जैसे एक साइकिल की लाइन लगी हुई है। तो साइकिल की लाइन लगी हुई, हमने एक साइकिल को गिराया तो क्या हुआ, धीरे धीरे सारी साइकिल्स गिर जाएंगी। तो वहां पर क्या हुआ, साइकिल का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन ये जो हमने एक एनर्जी दी, मोमेंटम दिया या धक्का दिया, उस धक्के का ट्रांसफर हो गया। इसी को वेव मोशन ऐसे बोला जाता है, जिसमें एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर होती है। तो इन वेव मोशन एनर्जी और मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है। अब जो वेव्स हैं उनको मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, जिसमें पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। जैसे ये एक वेव है, ये कहाँ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल ऊपर और नीचे जो है ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, ऐसे मोशन को वेव मोशन में, मतलब ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स का मतलब ही एक तरीके से परपेंडिकुलर होता है। तो वो वेव मोशन जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। इसमें ऐसे ऊपर और नीचे वाले हिस्से बनते हैं। तो ये तो हमने ऐसे बनाया, या डायरेक्ट हम इधर भी बना सकते हैं। तो ऐसे टाइप की वेव इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो उठा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोल देते हैं, क्रेस्ट, उसको मैं सी से डिनोट कर दूं। और जो ऐसे नीचे दबा हुआ हिस्सा है इसको ट्रफ बोल देते हैं। तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। फिर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हुई है। तो जैसे वेव राइट की तरफ जा रही है तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लो बहुत सारे कार्डबोर्ड्स हैं, वो स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है सपोज। तो हमने इस कार्डबोर्ड को ऑसिलेट कराया ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, आगे वाले कार्डबोर्ड भी ऑसिलेट करने लगेंगे। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में ये डिस्टरबेंस या वेव प्रोपेगेट करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है। इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जहां पे जो लेयर्स हैं नजदीक आ जाती हैं मीडियम की, वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। उस रीजन को कंप्रेशन का रीजन बोला जाता है, जो सी से हम डिनोट कर रहे हैं। और जहां पे लेयर्स दूर चली जाती हैं एक दूसरे से, वहां पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, उसको रेयरफैक्शन बोला जाता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ये जो वेव्स प्रोपिगेट करती हैं इनकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? तो अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी इक्वेशन इस तरह की होती है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, या इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख दें तो क्या रहेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स। ओमेगा बाय वी को हम एक और नाम दे देते हैं जिसको के से डिनोट किया जाता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये जो के है
ये के किसके बराबर है, के ओमेगा बाय वी के बराबर होता है, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, या एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, आगे हम देखेंगे के जो है ये एक्चुअली 2π/λ के बराबर भी होता है, आगे हम उसको देखेंगे। तो 1 बाय लेमडा वेव नंबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो 2π/λ जो है ये क्या कहलाता है, ये एंगुलर वेव नंबर ऐसे कहलाता है। ठीक है, अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इक्वेशन इस तरह की आ जाती है। तो इसको भी अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा बाय वी को के बोल सकते हैं, तो प्लस के एक्स आ जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे SHM की इक्वेशन में किस तरह की इक्वेशन आती है, ए साइन ओमेगा टी टाइम की आती है, सिर्फ टाइम का फंक्शन आता है। वेव में टाइम और पोजीशन दो चीजों का फंक्शन आता है। अब अगर टाइम और पोजीशन ये जो तो दोनों चीजें हैं, एक तो एक्स वाली टर्म है और एक टी वाली टर्म है, वो कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकते हैं, पहले एक्स वाली टर्म लिख सकते हैं बाद में टी वाली, अगर दोनों का साइन सेम होता है, ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है कि एक्स का जो कोफिशियंट और टी का कोफिशियंट है अगर सेम साइन है, सेम साइन मतलब ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, जैसे सेकंड केस में दोनों पॉजिटिव है, ऐसे दोनों नेगेटिव भी हो सकते थे, तो वेव कहां जाती है, तो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कई बार इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर एक्स और टी, या एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यहां पर अगर ये एक्स की जगह वाई होगा तो वेव वाई डायरेक्शन में जा रही होगी, एक्स की जगह जेड होगा तो वेव जेड डायरेक्शन में जा रही होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है साइन के अंदर, ठीक है। तो और दोनों का सेम साइन है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। और अगर ये जो एक्स का कोफिशियंट और टी का कोफिशियंट है, इनके दोनों के ऑपोजिट साइन होते हैं, तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। मतलब एक्स मतलब ये जो अगर एक्स है यहां पर एक्स है तो एक्स डायरेक्शन, यहां पे वाई होता तो वाई डायरेक्शन, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कब जाएगी, जब दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है। फिर टी का कोफिशियंट क्या कहलाता है, ओमेगा, ओमेगा ऑलरेडी हम जानते हैं 2π/टाइम पीरियड या 2πf होता है। के जो है ओमेगा बाय वी होता है या 2π/λ, मतलब लेमडा इज वेवलेंथ, ठीक है। अब उसके बाद वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो देखो वेव की वेलोसिटी क्या होती है, तो वेव की वेलोसिटी यही जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, वी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जो वेव वेलोसिटी है वी, ये किसके बराबर होती है, ये होती है ओमेगा बाई के बराबर। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार हमें इक्वेशन दे दी वेव की और वेव की वेलोसिटी पूछ लेते हैं, तो जो एक्स का कोफिशियंट है वो हमें क्या दे देगा, एक्स का कोफिशियंट हमें के दे देगा, टी का कोफिशियंट हमें ओमेगा दे देगा। इसमें साइन नहीं देखना, साइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिसाइड करने में हेल्प करता है। बाकी वेव वेलोसिटी निकालनी मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो ओमेगा बाय के होगा, ठीक है। तो ओमेगा टी का कोफिशियंट ओमेगा होगा, एक्स का कोफिशियंट के होगा, इस तरह से हम वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, तो देखो पार्टिकल्स तो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कहां वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो है वाई, ये क्या बताता है, ये बताता है पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। एक्स ये जो इधर आता है एक्स, ये क्या बताता है वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वाई क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के ऑसिलेशन की डायरेक्शन ये वाई बताता है। अब पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन का डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी डेल वाई बाय डेल टी। डेल इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं,
तो मान लो यही फंक्शन है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पार्टिकल सारे के सारे एस एच एम कर रहे हैं और उस एस एच एम में जो वेलोसिटी आएगी वैसे डेल वाई बाय डेल टी हमें पार्टिकल की वेलोसिटी दे देगी। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है और वेव की वेलोसिटी फिक्स रहती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओमेगा ही होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो एसिलरेशन भी आ जाएगा पार्टिकल का। तो अगर हम पार्टिकल्स एसिलरेशन की बात करें, पार्टिकल का एसिलरेशन क्या हो जाएगा, एसिलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, तो इसका डेरिवेटिव फिर कर देंगे डेल बाय डेल टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये जो है देखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई वैसे आ जाएगा जैसे एस एच एम में आता था। एस एच एम में एसिलेशन क्या होता था, वहां पे एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाता था, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन रिलेटेड चीजें जो कई बार हमें हेल्प करती हैं क्वेश्चन समझने में और सॉल्व करने में। उसके बाद हम बात करते हैं वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। तो देखो वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल इन द सेम फेज और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन पीरियोडिक टाइम एंड डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब कि दोनों या तो अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पे हैं या दोनों की पोजिशन सेम है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। अब से ये ए वाला पार्टिकल है और यहां पे सी वाला पार्टिकल, इन दोनों की पोजीशन सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग है। कैसे पता चला, ए पे अगर हम स्लोप देखेंगे तो ए पे स्लोप जो आएगा, एक मिनट, किसका ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, अच्छा ये डायरेक्शन ऑफ प्रोप, ये वेव की शेप दे रखी है हमको कि वेव की शेप इस तरह से है। ठीक है, डिपेंड करता है वेव कहां पे जा रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये कहां पार्टिकल कैसे जा रहा है, इसको अभी हम आगे और समझते हैं। तो ये ए और सी वाले पार्टिकल को देखें तो दोनों की पोजीशन सेम है लेकिन ए वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, नीचे, सी वाला कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ए वाला अगर नीचे जा रहा है सी वाला ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों ऑपोजिट फेज में होंगे। अगर पोजीशन सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट है, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर इन ऑपोजिट फेज। ई वाले पार्टिकल को देखें तो ए और ई की पोजिशन सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, ये सेम फेज में होंगे। या फिर हम सीधे ये बोल सकते हैं कि एक क्रेस्ट और ट्रफ मिलकर एक वेवलेंथ फॉर्म करता है, चाहे हम बी से एफ के बीच में देख लें, चाहे हम ए से ई के बीच में देख लें, जिसमें एक कंप्लीट क्रेस्ट और ट्रफ आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये होता है। और जो ऑपोजिट फेज में होते हैं पार्टिकल्स उनके बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाय टू। ठीक है, तो जो ऑपोजिट फेज में पार्टिकल्स हैं, जैसे यहां पर ऑपोजिट फेज मतलब जिनकी पोजीशन सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग, तो ए और सी ऑपोजिट फेज में है। ठीक है, ऑपोजिट फेज में कौन से हो गए, ए एंड सी, और ये मिनिमम डिस्टेंस है लैम्डा बाय टू। ध्यान रखना है, एक और चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लैम्डा बाय टू ही होता है। देखो सेम फेज के लिए जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच की, वो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा, जैसे लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, मतलब ये लैम्डा है, ऐसे देखोगे ये भी डिस्टेंस लैम्डा है, तो इसका मतलब ई आई के साथ सेम फेज में है। ई अगर आई के साथ सेम फेज में है तो ए भी आई के साथ सेम फेज में होगा। तो बेसिकली क्या होता है, सेम फेज के लिए जब जो डिस्टेंस है लेंथ के अलोंग, इसको हम डेल्टा एक्स बोल देते हैं, मतलब जो दो एक्स वाली पोजीशन है उनका डिफरेंस, वो किसके बराबर होता है, एन लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इस तरह से। और ऑपोजिट फेस के लिए जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होता है, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, इधर पे लैम्डा, एन लैम्डा का मतलब लैम्डा 2 लैम्डा
थ्री लेमडा एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, लेमडा बाय टू, थ्री लेमडा बाय टू, फाइव लेमडा बाय टू, ऐसे लेमडा बाय टू का ऑड मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, अब लेमडा फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। v जो है किसके बराबर होता है, एफ लेमडा। कैसे आया, देखो लेमडा क्या है, वो पार्टिकल्स जो सेम फेज में, सेम फेज में पार्टिकल कौन से होते हैं, बेसिकली एक टाइम पीरियड में वेव कंप्लीट, एक वेव मोशन जनरेट हो जाता है, तो एक टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको भी वेवलेंथ हम बोलते हैं। तो वेवलेंथ को हम और क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। तो वन टाइम पीरियड में वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वेव कितनी स्पीड से चल रही है, वी स्पीड से चल रही है। तो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे यहां पे लिखा ही हुआ है, लिखने की चलो जरूरत नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, वेव वी स्पीड से चल रही है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वी टी, दिस इज दी वेव लेंथ। और टी क्या होता है, वन बाय एफ के बराबर होता है, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें ध्यान रखने, कई जगह काम आते हैं, किसी भी वेव के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, मैकेनिकल वेव हो, कैसी भी वेव हो। ठीक है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो किसी भी वेव के लिए ये रिलेशन लगते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बेसिकली पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और पावर पर यूनिट एरिया जो है ये कहलाता है इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा यहां पे n की जो काउंटिंग है, n की काउंटिंग यहां पे तो 1 2 3 से शुरू होगी, यहां पे हम n को 0 या एक, अगर 1 से ही मानना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम माइनस लगा लें, फिर n की काउंटिंग दोनों केस में हम 1 से कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, मेन चीज बस वो बताना था कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, वो मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। ठीक है, बाकी ये जो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन का है वो 1 से शुरू होगा, तो अगर मैं n के टर्म में बात करूं तो इसको हम 2n-1 लिख लें, तो भी ऑड नंबर आएगा ये, और n की काउंटिंग हम 1 2 3 4 ऐसा बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो किसके बराबर आ जाती है, 2π² f² a² ρv। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दी, और ये कैसी है, एवरेज इंटेंसिटी होती है। जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं एवरेज इंटेंसिटी होती है, क्योंकि वेव क्या हो रही है, वेव तो प्रोपगेट कर रही है, उसकी एनर्जी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, तो जब भी कोई चीज बदलती है तो हम एवरेज की बात करते हैं, दिस इज एवरेज इंटेंसिटी। यहां पे एफ फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड है, रो जो है डेंसिटी ऑफ मीडियम है, वी स्पीड ऑफ वेव है। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी है, ये सबको पता है, वी वेव की स्पीड है, ये है, ए मैं लिख देता हूं, काम करते हैं, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, ठीक है, ए इज एम्पलीट्यूड एंड रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन स्ट्रिंग, तो देखो अब जैसे एक स्ट्रिंग है हमारे पास, वो कुछ फिक्स है दो एंड पे, जिससे उसमें टेंशन है। अब अगर इस रस्सी में टेंशन है टी, और म्यू जो है इट इज मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वेव जो प्रोपेगेट करेगी इस स्ट्रिंग में उसकी वेलोसिटी क्या आ जाती है, उसकी वेलोसिटी आ जाती है अंडर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट में आती है, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम मतलब स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर ये स्ट्रिंग रुकी हुई है तो वेव की स्पीड यही हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग मतलब किसी गाड़ी में लगी है, गाड़ी चल रही है,
तो व्हीकल के रिस्पेक्ट में ये स्पीड हो जाएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में व्हीकल की स्पीड और ऐड करनी पड़ेगी। मतलब जैसे ये एक वेव जा रही है इसमें वी स्पीड से, अगर ये गाड़ी रुकी हुई है तो यही वी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो ये गाड़ी कुछ वी डैश स्पीड से आगे जा रही है, तो कोई ग्राउंड से देखेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेव की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, वी डैश प्लस वी, जैसा रिलेटिव मोशन में हम करते हैं। तो ये ध्यान रखना, वी इज द स्पीड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जिसमें वेव प्रोपेगेट कर रही है। अच्छा, अगर टेंशन बाई चांस यूनिफॉर्म नहीं हुई, अगर टेंशन यूनिफॉर्म हुई तो स्पीड हर जगह सेम आ जाएगी, टेंशन यूनिफॉर्म नहीं हुई तो हम एक पॉइंट पे स्पीड निकालेंगे उस पॉइंट की टेंशन लिख के, और फिर आगे कुछ भी हमें टाइम वगैरह बताना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेव की स्पीड कांस्टेंट आ जाएगी अगर टेंशन क्या होगी सेम, यानी कि मीडियम यूनिफॉर्म होगा। अगर मीडियम नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हर पॉइंट पे वेव की स्पीड अलग अलग आ जाएगी, और जिस पॉइंट पे स्पीड बतानी है उस पॉइंट की हम टेंशन ले लेंगे और उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल करें कि ये एक रस्सी है, रस्सी का मास है 500 ग्राम पर मीटर, मतलब मास नहीं है क्या है, म्यू दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज 500 ग्राम, या इसको एसआई यूनिट में बात करें तो 0.5 हो गया। वेट है 20 kg, तो टेंशन कितनी आएगी 200 न्यूटन। देखो वैसे मास इस रस्सी का है, तो अगर रस्सी का मास है तो टेंशन रस्सी में वेरी करती है, लेकिन वो वेरिएशन अगर नेग्लिजिबल है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर दें। जैसे रस्सी का मास अगर देखें 0.5, 1 मीटर की भी रस्सी है तो 20 के कंपैरिजन में 0.5 नेग्लिजिबल है, तो हम क्या मान सकते हैं, टेंशन को कांस्टेंट जैसा मान सकते हैं यहाँ पर। तो टेंशन क्या होगी 200 न्यूटन, स्पीड क्या होती है अंडर रूट टी बाय म्यू, तो अंडर रूट 200 बाय 0.5 कर दिया, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज दी स्पीड ऑफ वेव ऑन दी स्ट्रिंग, तो इतने वेव की स्पीड होगी। कई बार टाइम पूछ लेते हैं, तो अगर ये धागे की लेंथ दे रखी है हमको तो उस लेंथ को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम भी मिल जाएगा कि कितने टाइम में वेव नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, जो भी पूछा जाएगा। अब स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, अभी जो हमने पढ़ी पिछली स्लाइड में ये क्या था, ये था ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, जो रस्सी पे एक वेव प्रोपेगेट कर रही है उस तरह से, ठीक है। अब साउंड वेव्स, अच्छा एक और चीज, साउंड वेव्स जो है वो लॉन्जिट्यूडल वेव्स होती हैं, और जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो साउंड वेव की स्पीड क्या होती है, तो साउंड वेव की स्पीड किसी भी सॉलिड मीडियम में अगर वो लीनियर है, लीनियर मतलब एक रॉड जैसी है, तो उसके लिए स्पीड क्या आ जाती है, अंडर रूट वाई बाय रो, वाई क्या है यंग्स मॉड्यूलस और रो क्या है डेंसिटी, ठीक है। तो अगर एक लीनियर ऑब्जेक्ट है उसमें हमें साउंड वेव की वेलोसिटी या स्पीड बतानी है तो वो क्या होता है, अंडर रूट वाई बाय रो, वाई इज द यंग्स मॉड्यूलस, रो इज डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। और अगर वो जनरली कोई भी फ्लूइड है, कोई भी मीडियम है, जनरल मीडियम है, लिक्विड गैस इस तरह का, तो वो लीनियर तो होता नहीं, उसके लिए तो वॉल्यूम डिफाइन होता है, तो उसमें वेव की स्पीड क्या होती है, अंडर रूट बी बाय रो, बी इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम, रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये साउंड की स्पीड का फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम में। अच्छा, अब इसमें न्यूटन जो था उसने क्या किया, उसने ये एज्यूम किया, मतलब वेव का तो यही फॉर्मूला है साउंड वेव का, अब एयर में साउंड की क्या स्पीड होगी, उसके लिए जब चीजें डेवलप हुई तो न्यूटन ने क्या एज्यूम किया कि जब साउंड प्रोपेगेट करता है तो एटमॉस्फेयर जो है, एयर है हमारी, उसका टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो हम साउंड के प्रोपेगेशन को कैसा प्रोसेस मान सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकते हैं। तो उसने आइसोथर्मल प्रोसेस मान के, आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या इक्वेशन होगी, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसके लिए बल्क मॉड्यूलस जो है वो पी के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस पी के बराबर आ जाता है, तो पी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट पी बाय रो, विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट आर टी बाय एम, ठीक है ना, PV इज इक्वल टू NRT से हम ये रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहां से जब साउंड की स्पीड निकाली गई एयर में तो वो आई अराउंड 288 के आसपास, 280 की लाइन में इस तरह से आंसर आई। M यहां पे है मोलर मास ऑफ एयर, M इज मोलर मास ऑफ एयर, जो कि अराउंड हम कितना मानते हैं 29 ग्राम पर मोल ऐसा मानते हैं। एयर में मेजर क्वालिटी, मेजर जो क्वांटिटी है वो किसकी होती है, या इसको 29 ग्राम ही लिख दूं मैं, मेजर क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 28 होता है,
और बाकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब में जुलाकर ऑन एन एवरेज मोलर मास 29 हम मान सकते हैं, कई बार 30 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहां से जो स्पीड आई वो अराउंड 280 की रेंज में आई, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया तो देखा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो 330 के आसपास होती है, 332 इस रेंज में होती है। तो इस फॉर्मूले में करेक्शन किया लैपलेस ने, जिसको लैपलेस करेक्शन बोला जाता है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखो साउंड जो है लगभग 300 मीटर पर सेकेंड इतनी तेज स्पीड से जा रही है, और हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि जो फास्ट या सडन प्रोसेस होते हैं वो नियरली एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए हमें साउंड के प्रोपेगेशन को आइसोथर्मल नहीं मानना चाहिए, एडियाबेटिक मानना चाहिए। तो उसने ये प्रपोज किया कि साउंड का प्रोपेगेशन एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, तो इसलिए हमें एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगानी चाहिए, पीवी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और उसके लिए बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, गामा पी। तो पी की जगह जब गामा पी रखा गया तो ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। और एयर को हम एक डायटोमिक गैस की तरह मानते हैं, तो जब गामा की वैल्यू सब्सिट्यूट की गई डायटोमिक गैस के लिए तो हमें वो स्पीड मिल गई जो एक्चुअल स्पीड होती है साउंड की मीडियम में। तो एक्चुअली जो हमें एयर या किसी गैस में फॉर्मूला यूज करना है वो यही वाला यूज करना है कि इन एनी गैशियस मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट गामा पी बाय रो या अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, एम मोलर मास ही है यहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला न्यूटन वाला यूज नहीं करना है, बस इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। कई बार थ्योरिटिकल क्वेश्चन दे देते हैं कि न्यूटन ने क्या माना था, तो न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस माना था, लैपलास ने एडियाबेटिक प्रोसेस माना था। गामा क्या है, गामा होता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट सीपी बाय सीवी। ये अभी हम थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में, थोड़ा और क्लियर होगा। वैसे आप लोग प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, मतलब आप 11 12th पढ़ चुके हैं। तो गामा इज सीपी बाय सीवी, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो दिस इज दी गामा सीपी बाय सीवी। और डायटोमिक गैस के लिए एयर डायटोमिक गैस है कितना होता है 7/5 1.4, तो हम 1.4 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो उसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी की और नियरली सेम एम्पलीट्यूड की सुपर इम्पोज होती है, सुपर इम्पोज मतलब मिलती हैं एक दूसरे से, तो जो प्रोसेस होता है उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब ये हो गया एक तरीके से मिक्सिंग, ठीक है, या मिलना। तो अब जब दो वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी और नियरली सेम एम्पलीट्यूड की आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो उस प्रोसेस को इंटरफेरेंस बोला जाता है। अब मैथमेटिकल देखो इंटरफेरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी देखोगे एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली। अब वो क्वेश्चन हम वेव ऑप्टिक्स का भी बोल सकते हैं, वेव्स का भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी उसको यूज मतलब बोल सकते हैं कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो वो दोनों में सेम चीज होती है जो जनरल इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है। तो मान ली हमने दो इक्वेशन है वेव की, वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन, वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव टू। अब जब ये सुपर इम्पोज होती है, जैसे हमने सुपर पोजिशन ऑफ SHM में भी देखा था कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी के फंक्शन मिलते हैं तो वो भी एक SHM को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फंक्शंस भी मिलकर एक सिंपल फंक्शन SHM के फंक्शन को या वेव फंक्शन को डिनोट करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड हम निकालेंगे। तो एम्पलीट्यूड जैसे हमने देखा था वैक्टर मेथड से ही आ जाता है, तो यहां भी एम्पलीट्यूड क्या आ जाता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव क्या होता है, ये दोनों का फेज है, फेज मतलब ये पूरी टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन एंड ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव टू, इनका डिफरेंस जो हम लेते हैं वो डेल्टा फाई है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है। ऐसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अब हमने क्या देखा था, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। तो अगर मैं इधर से प्रोपोर्शनैलिटी में कॉन्स्टेंट वाली टर्म सब जगह से कैंसिल हो जाएंगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाती है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है, ये जो दोनों के फेजेस हैं इनका डिफरेंस, तो ये आ जाता है के एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस फाइव टू माइनस फाइव वन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं और अलग से दोबारा लिख देता हूँ जिससे आपको हाईलाइटेड मिले। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो वो रूट करके लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाई. दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. और जो डेल्टा फाई है तो डेल्टा फाई क्या हो जाता है, तो ये आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं के डेल्टा एक्स जो पहली टर्म है, ठीक है ना, के एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस फाइव टू माइनस फाइव, है ना, के डेल्टा एक्स लिख देते हैं पहली टर्म को, और दूसरी टर्म को हम लिख देते हैं डेल्टा फाई नॉट. ठीक है, डेल्टा एक्स को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एक्स को हम पाथ डिफरेंस बोल देते हैं, मतलब एक्स का डिफरेंस, एक्स क्या है, पाथ को डिनोट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो इंटेंसिटी वेरी करेगी, जैसे डेल्टा फाई वेरी करेगा उससे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा, एक्स की वैल्यू अलग अलग आने पे. अब दो स्पेशल केसेस की हम बात करते हैं इसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव का मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या हो जाती है मैक्सिमम, उस पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब ये रो कॉस डेल्टा फाई है ये मैक्सिमम हो जाएगा. कॉस डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन. कब, जब डेल्टा फाई क्या होता है, टू पाई का मल्टीपल. तो व्हेन फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज टू एन पाई, एन क्या है, इंटीजर है यहां पे, तो पाथ और पाथ डिफरेंस. अच्छा एक और चीज, मोस्टली ये जो डेल्टा फाई नॉट वाली टर्म है अगर कुछ नहीं दिया तो जीरो होती है, तो जब पाथ डिफरेंस है इसी के कारण फेज डिफरेंस होता है. तो इफ फेज डिफरेंस इज only due to path difference, अगर फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के कारण ही है तो डेल्टा फाई किसके बराबर आएगा, k डेल्टा x के बराबर आएगा. तो ज्यादातर सिचुएशन में यही होता है कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के कारण ही होता है. तो जब डेल्टा फाई 2n पाई के बराबर होगा तो डेल्टा x किसके बराबर हो जाता है, n लैम्डा. यानी कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि आई मैक्सिमम जो है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर. ठीक है, तो रूट आई वन मतलब ये इसको, ये जो टर्म है इसको मैं रूट आई वन का स्क्वायर बोल सकता हूं, इसको रूट आई टू का स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन आई टू, कॉस डेल्टा फाई तो वन हो गया, तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर. और एक और चीज यहां पे ध्यान रखिए कि जो ए है वो भी मैक्सिमम हो जाता है, ए मैक्सिमम किसके बराबर हो जाता है, ए वन प्लस ए टू के बराबर हो जाता है. आई मिनिमम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आई मिनिमम में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहां लिख देते हैं आई मिनिमम इज रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और जो ए की मिनिमम वैल्यू है ये आ जाती है मॉड ऑफ ए वन माइनस ए टू. इनपे भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए. मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेते हैं, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ लेते हैं. तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो ये फॉर्मूले कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होती है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होती है. जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है, और जहां मिनिमम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होती है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है. उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव. तो देखो, जब वेव किसी बाउंड्री से टकराती है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है. कुछ पार्ट उसका दूसरे मीडियम में जा भी सकता है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन बोला जाता है. अब अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो वेव क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है. ये ध्यान रखना है, जिसमें हम बोलते हैं पाई का फेस चेंज आ जाता है. ठीक है, ऐसे केस में जब फिक्स्ड एंड होता है तो हम बोलते हैं देयर इज अ फेस चेंज ऑफ पाई. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वेव जब एक फिक्स एंड से टकराती है, कोई फिक्स दीवार है, फिक्स चीज है कोई भी, तो वेव अगर ऐसे जा रही है, फेज चेंज ऑफ पाई या इन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक क्रेस्ट जा रहा होगा तो टकरा के वो किस फॉर्म में लौटेगा, ट्रफ की फॉर्म में लौटेगा.
तो फिक्स्ड एंड से जब वेव टकरा के आती है तो उसमें क्या हो जाता है, पाई का फेज चेंज आ जाता है, इन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर फ्री एंड है, फ्री मतलब ये फ्रीली ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो वेव सेम फेज में लौट के आ जाती है, उसमें कोई इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, तो फ्री एंड के केस में वेव रिफ्लेक्ट्स इन सेम फेज, या देयर इज नो फेज चेंज, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा मैं ऐसे बोल देता हूँ, देयर इज नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होता है, सेम फेज में वेव रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, कई बार इसमें फिगर बना के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो वेव इन्वर्ट हो जाएगी, फ्री एंड से होगा तो सेम फेज में लौट के आ जाएगी। अब एक और टर्म यूज की जाती है, स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, तो स्टैंडिंग वेव्स का मतलब होता है जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हुए इंटरफेयर करती हैं, तो जो पैटर्न ऑब्टेन होता है उसको स्टैंडिंग वेव पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, दो वेव क्या होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों चीजें इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, और कैसे जाना चाहिए उनको, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वेव जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए इंटरफेयर करती हैं तो हमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलता है। अब देखो, दो वेव की इक्वेशन हमने ऐसी मान ली, एक की ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये किसमें जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है, और एक मान ली हमने ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये जा रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दोनों का साइन सेम है। ये दोनों जब इंटरफेयर करेंगी तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलेगा। तो अब इन दोनों के मिलने से क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो वाई वन प्लस वाई टू लिखेंगे, तो ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इक्वेशन इस तरह की आ जाती है, टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, इसमें एक्स वाली टर्म को एक साथ ले लिया, टू ए कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी। अब देखो ये क्या बता रहा है, साइन ओमेगा टी तो ऐसे टर्म जैसा फंक्शन आ गया, और टू ए कॉस के एक्स ये एम्पलीट्यूड जैसी टर्म आ गई, तो इसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अच्छा, अब ये लेकिन एम्पलीट्यूड देखोगे एक्स के साथ वेरी कर रहा है, यानी हर पॉइंट का सेम एम्पलीट्यूड नहीं है, जैसे एसएचएम में क्या होता है एम्पलीट्यूड सेम होता है, इसमें क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है, साइन ओमेगा टी वाली टर्म क्या बता रही है, एसएचएम की, एवरी पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम, बट एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी पार्टिकल इज डिफरेंट एंड इज वेरिंग विद पोजिशन एक्स, अलग अलग पोजिशन पे एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 2a हो सकता है। तो यही हम बता रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या हो गया, 2a cos kx। अच्छा, एम्पलीट्यूड एक और चीज, हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम इसके साथ मॉड लगा सकते हैं, एम्पलीट्यूड को हम नेगेटिव नहीं मानते, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो क्या आएगी वो 2a, यहां भी हमें प्लस माइनस एक्चुअली नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, बाकी प्लस माइनस क्या बता रहे हैं कि वो 2a ऊपर भी जाएगा पार्टिकल तो 2a नीचे भी आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जनरली हम पॉजिटिव टर्म को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड ही जीरो हो जाएगा, जहां पे कॉस के एक्स जीरो हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड ही जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ऐसे पॉइंट परमानेंटली रेस्ट पे आ जाएंगे, भाई एम्पलीट्यूड ही जीरो है, मतलब ऑसिलेशन हो रहा है और जीरो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, यानी वो पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट पर आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नोड्स। तो जिन पॉइंट का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, जो परमानेंटली रेस्ट पर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है नोड्स, जिन पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको क्या बोला जाता है एंटी नोड्स। तो नोड पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा जीरो, एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम 2a। ठीक है, और जो सक्सेसिव नोड्स या एंटी नोड्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा बाय 2, मतलब दो सक्सेसिव नोड्स हैं वो लैम्डा बाय 2 दूरी पर होंगे, दो सक्सेसिव एंटी नोड हैं वो भी लैम्डा बाय 2 दूरी पर होंगे, और नोड और एंटी नोड के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा बाय 4, इसको भी अपन आगे समझते भी हैं कैसे होती है। तो देखो स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा है कि कुछ पॉइंट्स जो नोड वाले, मान लो ये यहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड है, ये नोड वाला पॉइंट है,
ये भी नोड वाला है, ये भी नोड वाला है, ये भी नोड है, ये भी ऐसे नोड है, इनके बीच में ये एंटी नोड, ये ऐसे भी दे भी रखा है इधर नोड से ऐसे हमने, ठीक है, ये देखो नोड बता रखा है ऐसे, ये सब नोड है, ऐसे ये सब एंटी नोड वाले पॉइंट्स हैं। तो नोड वाले पॉइंट्स जो हैं क्या रहते हैं, परमानेंटली रेस्ट पर रहते हैं, नोड वाले पॉइंट्स जो हैं परमानेंटली रेस्ट पर रहेंगे, यानी कि ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा, ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और नोड के बीच में पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट। तो देखोगे अभी ये वाले पार्टिकल अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पर हैं, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, ये नेगेटिव, क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब नेगेटिव वाले ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले नीचे की तरफ जाएंगे, तो ऐसे मोशन हुआ। फिर थोड़े समय के बाद पूरी रस्सी सीधी हो जाएगी, क्यों सीधी हो जाएगी, भाई ये जो नीचे थे वो भी अपनी मीन पोजिशन पर आ जाएंगे, ऊपर थे ये भी अपनी मीन पोजिशन पर आ जाएंगे, लेकिन रस्सी सीधी हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं रुक जाएंगे, मतलब अब इनके पास वेलोसिटी होगी, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी, और वो भी देखेंगे जो बीच वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि एसएचएम कर रहा है हर पार्टिकल, एसएचएम में वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा ए, तो ओमेगा तो सबका सेम है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी और कम होगी। नोड वाले पॉइंट तो परमानेंटली रेस्ट पर ही रहते हैं, तो रुके हुए रहेंगे, जो ऊपर से आ रहे थे पार्टिकल वो अब नीचे की तरफ जाएंगे, उसमें भी बीच वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे हम साइड में जाते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो इस तरह से होगा। फिर ये जो पार्टिकल इस वाले रीजन में थे ये ऊपर की तरफ गए, इस वाले रीजन में नीचे की तरफ आए, तो इस तरह से ये ऑसिलेशंस चलते रहेंगे। तो जो नोड वाले पॉइंट है आप देखोगे वो हर सिचुएशन में वहीं के वहीं है, उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो परमानेंटली वहीं के वहीं रुके हुए हैं हर जगह पे, देखो आप, तो नोड वाले पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट पे हैं, और जो नोड के बीच के सारे पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और उसमें भी जो एंटी नोड वाले पार्टिकल हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट है और या एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर जो दो नोड हैं सक्सेसिव नोड्स, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा बाय टू होती है, ठीक है, ऐसी दो सक्सेसिव एंटी नोड्स जो हैं ये, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, लैम्डा बाय टू, और एक नोड और एंटी नोड के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ये क्या होती है, लैम्डा बाय फोर, तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जो स्पेशल कुछ केसेस होते हैं जो काफी पूछे जाते हैं, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, तो देखो स्ट्रिंग का यूज किया जाता है जब ट्रांसवर्स वेव जनरेट की जाती है, जनरली अगर हम लेबोरेटरी में बात करें तो आपने देखा होगा ट्यूनिंग फोर्क करके एक डिवाइस होती है जिसको हम एक रबर पैड पे हिट करते हैं और वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, तो उस ट्यूनिंग फोर्क को ऑसिलेट करा के जब हम स्ट्रिंग के पास ले जाते हैं तो स्ट्रिंग क्या करती है, वाइब्रेट करने लगती है और उससे स्ट्रिंग में वेव बनती है। और ऑर्गन पाइप क्या होती है, ऑर्गन पाइप एक ट्यूब मान लो, कोई भी अपनी एक ट्यूब है जिसके दोनों एंड क्या है, ओपन है, एक पाइप जैसी मान लो उसको, ठीक है, दिस इज दी ऑर्गन पाइप। तो वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग या वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप, अब इसमें हम वो केस देख रहे हैं, दोनों में सिमिलैरिटी होती है इसलिए हम एक साथ देख रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स हैं तो क्या होगा, या ऑर्गन पाइप के दोनों एंड ओपन है तो क्या होगा। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए ऑसिलेशन हो सकता है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मींस मैक्सिमम वेवलेंथ। अब देखो फिक्स एंड पे हमेशा नोड बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स एंड हमेशा नोड बनता है, और ऑर्गन पाइप में क्या होता है, जो ओपन एंड होता है वहां पे दो तरह की वेव की बात करते हैं हम, साउंड वेव या ऑर्गन पाइप, इसमें जब लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो एक होती है डिस्प्लेसमेंट वेव, एक प्रेशर वेव। तो डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में पाई बाय टू का फेस डिफरेंस होता है, तो जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है वहां प्रेशर का क्या बनता है, नोड बनता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में देख लें तो रस्सी के केस में क्या होता है, अगर फिक्स्ड एंड है तो फिक्स्ड एंड हमेशा नोड बनता है, फ्री एंड क्या बनता है, एंटी नोड। तो ऐसे ही ऑर्गन पाइप में हम देखें फ्री एंड एंटी नोड बनता है, लेकिन किसका एंटी नोड बनता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो दो नोड हैं, हम चाहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा बाय टू,
तो हम चाहेंगे बीच में और कोई नोड ना बने, क्योंकि और कोई नोड बन गया तो लैम्डा बाय टू वो डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि दो नोड बन रहे हैं उनके बीच में कोई और नोड ना बने। तो ये रस्सी की लेंथ लैम्डा बाय टू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वी, मतलब एफ, एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा होता है, तो उससे हम बता सकते हैं। जैसे अभी रस्सी की लेंथ है एल, तो अगर दो नोड है इनके बीच में कोई नोड नहीं बन रहा, तो एल किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाय टू। तो लैम्डा इज इक्वल टू टू एल आ जाएगा, और एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा होता है, तो एफ इज इक्वल टू वी बाय टू एल, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने एफ वन से डिनोट कर दिया, यहाँ पे ये सब एफ वन होंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हायर मोड आता है उसको बोलते हैं ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन इज ऑल्सो सेकेंड हार्मोनिक। तो फर्स्ट ओवरटोन पे एक लूप और बढ़ जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या जाती है, टू टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर सेकेंड ओवरटोन, जिसको थर्ड हार्मोनिक भी बोलते हैं, यहाँ पे हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मल्टीपल। जैसे फंडामेंटल एफ वन है, तो उसका टू टाइम्स सेकेंड हार्मोनिक हो गया, थ्री टाइम्स थर्ड हार्मोनिक हो गया, और ओवरटोन मतलब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक में एक और लूप बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी थ्री एफ वन हो जाएगी। फोर्थ हार्मोनिक में एक और लूप बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी फोर एफ वन हो जाएगी। ऐसी ऑर्गन पाइप में भी, जब फंडामेंटल मोड है, इधर एंटीनोड और एंटीनोड बन रहा है, और कोई एंटीनोड नहीं बनेगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम वी बाय टू एल आएगी। फिर इधर पे टू वी वन आ जाएगी, टू एफ वन आ जाएगी, इस तरह से चलता है। तो एन दोनों केस में जो एफ एन है, ये एन एफ वन के बराबर हो जाएगा। एफ वन क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो किसके बराबर होती है, वी बाय टू एल। एफ एन क्या है, ये n माइनस वन एथ, तो ओवरटोन हो जाएगा, क्योंकि ओवरटोन फंडामेंटल के बाद से काउंट होता है। तो एफ वन फर्स्ट, एन एफ वन फंडामेंटल है, एफ टू फर्स्ट ओवरटोन होगा, एफ थ्री सेकेंड ओवरटोन होगा। तो एफ एन एन माइनस वन एथ ओवरटोन होगा, या एन एथ हार्मोनिक होगा। क्यों, हार्मोनिक कैसे डिसाइड हो रहा है, फंडामेंटल का कौन सा मल्टीपल है, तो फंडामेंटल का एन टाइम्स है, तो ये एन एथ हार्मोनिक हो जाता है। फिर दूसरे केस होते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। तो अगर एक एंड फिक्स है और दूसरा ओपन है, या ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज है और दूसरा ओपन है, ठीक है, तो एफ वन जो है वो वी बाय फोर एल आ जाएगा यहां पे। क्यों, क्योंकि यहां पे जब लेंथ है, ये किसके बराबर आएगी, लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय फोर। क्यों, एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय फोर होती है, तो लैम्डा बाय फोर आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल आ गया। यहां से F1 आ जाएगा V बाय फोर एल के बराबर, और यहां पे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। F2 निकालोगे तो वो 3F1 आ जाएगा, F3 निकालोगे 5F1 आ जाएगा, इस तरह से ही है। तो यहां पे F1 तो फंडामेंटली हो गई, विच इज V बाय फोर एल, और Fn F1 का ऑड मल्टीपल आता है, तो ये n माइनस वन एथ, तो ओवरटोन हो जाता है, और 2n माइनस वन एथ हार्मोनिक हो गया। ध्यान रखना है, हार्मोनिक इज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का कितना टाइम से, ये 2n माइनस वन, तो ये आ जाएगा। यहां पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, हियर ओनली odd harmonics are present. ठीक है, अब लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो एक सोनोमीटर वायर का एक्सपेरिमेंट होता है, शायद आप लोगों ने किया हो अगर स्कूल गए हो तो, कि एक ब्लॉक को अगर हम हैंग कर देते हैं एक रस्सी से, तो उसमें क्या होता है, ऐसे दो ट्राइंगुलर सपोर्ट्स रखते हैं, ये ट्राइंगुलर सपोर्ट्स फिक्स्ड एंड की तरह एक्ट करते हैं, यहाँ पे नोड बन जाता है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, पेपर के पीसेस रखे जाते हैं, जिनको राइडर्स बोला जाता है। और फिर क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फोर्सेस को वाइब्रेट कराते हैं, मास चेंज करके टेंशन चेंज कर सकते हैं, इन ब्रिजेस की पोजिशन चेंज करके लेंथ चेंज कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि जब इसमें स्टैंडिंग वेव बनने लगेगी हायर एम्पलीट्यूड की, मतलब बीच वाला हिस्सा ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगेगा,
पेपर के पीसेस गिरेंगे या ज्यादा तेज ऑसिलेशन करेंगे, तो इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है या म्यू वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है कि जब हम सोनोमीटर वायर की बात करते हैं तो हम एक ही चीज को बदलते हैं एक बार में। जैसे हमें टेंशन बदलनी है तो हमने ये मास बदल दिया यहाँ पे, तो टेंशन बदल जाएगी। लेंथ बदलनी है तो हमने ब्रिजेस के बीच की सेपरेशन बदल दी। म्यू बदलना है तो हमने वायर बदल दी। तो एक टाइम पे एक चीज बदलते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ लॉ बना दिए गए हैं, लॉ ऑफ लेंथ। देखो फॉर्मूला वही है, नया कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला इज सेम। विच फॉर्मूला? जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखी, वी बाय 2L होती है, और 1/2L क्योंकि दोनों एंड फिक्स है यहाँ पे, तो वी बाय 2L, और वी क्या होता है, अंडर रूट टी बाय म्यू रस्सी के लिए। तो यही फॉर्मूला लगता है। तो अगर लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है कि अगर टी और म्यू कांस्टेंट हो गए, तो टी और म्यू कांस्टेंट हो गए तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि F1 बाय F2 क्या आ जाएगा, L2 बाय L1। लॉ ऑफ टेंशन, टेंशन क्या कहता है कि अगर लेंथ और म्यू कांस्टेंट हो गए तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यानी F1 बाय F2 इज इक्वल टू रूट T1 बाय T2। लॉ ऑफ मास क्या कहता है कि अगर टी और लेंथ कांस्टेंट हो गए तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यही फॉर्मूला, बस इसमें दो चीजें कांस्टेंट हो गई तो डिपेंडेंस की हम बात करते हैं। लेकिन कई बार ये टर्म यूज कर लेते हैं सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट और हम घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, तो कुछ नहीं है, ये ऑसिलेशंस हैं जिसमें रस्सी के दोनों एंड फिक्स हैं, उसी तरह का ऑसिलेशन हो रहा है। चलो अब इसमें क्या होता है, कई बार एंड करेक्शन एक वर्ड पूछा जाता है। एंड करेक्शन आता है ऑर्गन पाइप में जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि जो ऑर्गन पाइप का ओपन एंड है, जब हम बोलते हैं कि ओपन एंड पे प्रेशर का क्या बनता है, नोड, तो वो बिल्कुल एंड पे नहीं बनता, प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बनता है। कितना बाहर बनता है, इसी डिस्टेंस को एंड करेक्शन बोला जाता है। तो नॉर्मली कुछ नहीं दिया तो एंड करेक्शन हमें कंसिडर नहीं करना होता, नेग्लेक्ट करना होता। लेकिन अगर इस ट्यूब का रेडियस दे दिया या डायमीटर दे दिया तो उसका और कोई काम तो होता नहीं है, तो फिर हमें एंड करेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में एंड करेक्शन पूछ लिया तो फिर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो एंड करेक्शन क्या होता है, जो ऑर्गन पाइप है उसके ओपन एंड में बिल्कुल एंड पे प्रेशर का नोड नहीं बनता है, थोड़ा सा बाहर बनता है, और वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसी को एंड करेक्शन बोलते हैं। वो किसके बराबर होती है, 0.6 R या 0.3 D, D इज डायमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये एंड करेक्शन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक्चुअली जो इफेक्टिव लेंथ है, अब तो अगर एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है तो इफेक्टिव लेंथ L प्लस ई हो जाएगी, और दोनों एंड ओपन है तो दोनों तरफ एंड करेक्शन लेना पड़ेगा तो L प्लस 2E। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर जो एंड है एक एंड क्लोज है और एक ओपन है तो लेंथ को L प्लस ई लेना पड़ेगा, ई इज 0.6 R। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, वी बाय 4L, L की जगह L प्लस 0.6 R लेना पड़ेगा। और अगर दोनों एंड ओपन है तो दोनों तरफ एंड करेक्शन लेना पड़ेगा, तो यहां से भी E ऐड होगा, यहां से भी E ऐड होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है V बाय 2 इंटू एल प्लस 1.2 R, क्योंकि V बाय 2 L होती थी, L की जगह हमें ये लेंथ लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक टर्म होती है लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है कि जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए एक लॉगरिथमिक स्केल यूज किया जाता है, जिसको डेसिबल स्केल भी बोला जाता है, और वही लाउडनेस लेवल होता है। तो लाउडनेस लेवल कैसे मेजर किया जाता है, इसका जो स्केल का फॉर्मूला होता है 10 log I/I0। आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी होती है, जो मिनिमम इंटेंसिटी हमारा कान सुन सकता है, जो कि 10^-12 होती है, या ये भी ज्यादा काम नहीं आती। काम क्या आती है कि दो जगह पे लाउडनेस लेवल का हमें डिफरेंस लेना होता है, कि एक जगह पे लाउडनेस लेवल L1 है, एक जगह पे L2। तो मोस्टली वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंस ऑफ लाउडनेस लेवल, तो L2 - L1, तो L2 क्या हो जाएगा, 10 log I2/I0, फिर माइनस L1, L1 क्या हो जाएगा, 10 log I1/I0, क्या रहेगा, 10 log I2/I0 माइनस, अच्छा 10 कॉमन ले लिया, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, ये इधर पे I1/I0 ऐसे आ जाएगा, I0 से I0 कट जाएगा, तो 10 log I2/I1 ये आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम ज्यादातर काम आता है कि दो जगह पे लाउडनेस लेवल यूज कर फाइंड करना, उनका डिफरेंस लेना है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो I0 की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे केसेस में। तो I0 वैसे याद रखना है,
ये मिनिमम इंटेंसिटी है जो ह्यूमन एयर परसीव कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ज्यादातर ये काम आएगा। अच्छा, अभी एक फॉर्मूला होता है बीट्स का यूज होता है। बीट्स क्या होती है? अगर दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, वो क्या कराती है, सोर्स ऑसिलेट कराती है, तो वहां पे हमें क्या करता है, इंटेंसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ डिटेक्ट होता है किसी पॉइंट पे, वो बीट फिनोमेनन कहलाता है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है ना। बीट फ्रीक्वेंसीज दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, तो उनके फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को क्या बोल दिया जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी। इसका यूज क्या है, इससे हम अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी आर्म को हमने लोड कर दिया, लोड कर दिया मतलब उस पर मास बढ़ा दिया, धागा बांध दिया, उस पर मोम गिरा दिया, वैक्स गिरा दिया कुछ, तो क्या होगा उसकी फ्रीक्वेंसी का? तो रफली हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, मास बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर हम उसको लोड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और ऐसे अगर उसको घिस देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हम देखेंगे इसको प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। दो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ f1 - f2 हो जाती है। फिर एक फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम सुन रहे हैं उसमें अंतर पड़ता है, इसी फिनोमिनन को डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर या सोर्स डिस्टेंस चेंज करने की कोशिश करता है, डिस्टेंस कम करने की कोशिश करता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब अगर सोर्स है ऑब्जर्वर है। एक और चीज, ऑब्जर्वर का इफेक्ट कहां पे आता है, न्यूमरेटर में, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो न्यूमरेटर में आता है उसका इफेक्ट, और सोर्स का इफेक्ट कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। ऐसे भी याद रखते हो, ओ ऊपर आता है, एस नीचे, ओ को ऐसे याद रख सकते हो, ऑफिसर, एस सर्वेंट, सर्वेंट नीचे आएगा, ऑफिसर ऊपर आता है, ऐसे याद रखा जा सकता है। तो ऑब्जर्वर ऊपर आता है, सोर्स नीचे आता है, जो भी नजदीक जाने की कोशिश करेगा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, ठीक है। अगर वो अप्रोच किया, इसको मैं ऐसे बोल दूं, अगर अप्रोच करा रहा है कोई भी चीज तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, और अगर सेपरेट करा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को घटाएगा। तो अगर ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो ऊपर आ रहा है ऑब्जर्वर का इफेक्ट, तो कैसा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटाएगा, तो ऊपर माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे ही अगर सोर्स नजदीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा, सोर्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए। सोर्स नजदीक जाएगा तो कैसा साइन आएगा, माइनस, और सोर्स दूर जाएगा तो प्लस। दोनों चल रहे होंगे तो दोनों का साइन आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाले साइन है प्लस और माइनस, वो किसके लिए लिखे हैं हमने, अप्रोच के लिए, ठीक है। तो जो हमने साइन लिखे हुए हैं ऊपर वाले प्लस माइनस, ये तो मतलब पहले जो प्लस माइनस या माइनस प्लस में ये जो हमने लिखा हुआ है बीच में जो साइन है, दीज आर फॉर अप्रोच। तो अगर ऑब्जर्वर अप्रोच करेगा तो प्लस साइन आएगा ऊपर, और सोर्स अप्रोच करेगा तो नीचे माइनस साइन। और ये जो दो साइन है नीचे वाले, ये आएंगे सेपरेशन के लिए, कि अगर सेपरेशन करवा रहे हैं वो दोनों तो इस तरह के साइन आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस यही कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन, अच्छा रिलेटिव मोशन भी किस पे डिपेंड करता है, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। जैसे अगर एंगल पे वेलोसिटी है, जैसे सोर्स की वेलोसिटी एंगल पे है, तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा उसको दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, वी एस कॉस थीटा, टोटल वी एस वेलोसिटी नहीं लेनी। अप्रोच या सेपरेशन किस वेलोसिटी से होता है, जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। जैसे मान लो इसी केस में मैं मान लू कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स नजदीक जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, तो एफ डैश इज एफ, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा तो वी, अच्छा वी क्या है यहाँ पे, वी इज स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, वी स्पीड ऑफ साउंड है, वी एस और वी ओ ऑब्जर्वर और सोर्स की स्पीड है। तो ऑब्जर्वर नहीं चल रहा तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, सोर्स नजदीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो नीचे माइनस का साइन आएगा। और कॉम्पोनेंट कौन सा लेना है, जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस कॉस थीटा, थोड़ा सा क्लियरली और लिखने इसको,
ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे को वेव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो क्विकली हमने इसको समराइज किया है, रिवाइज किया है थोड़ा सा। आप लोग इसके जो आपके नोट्स वगैरह और हों, पुराने बुक्स वगैरह, उसे भी रेफर कर सकते हैं।